वेलकम स्टूडेंट्स से ऑनर। इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप जो है एक पिक्सल आर्ट एनएफटी क्रिएट कर सकते हो, वो भी अपनी मोबाइल फोन में। तो मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है कि किस तरीके से आप जो है फोटोशॉप में पिक्सल आर्ट क्रिएट कर सकते हो, बट अगर किसी के पास पीसी नहीं है तो वो जो है अपनी मोबाइल फोन में एक अच्छा सा पिक्सल आर्ट क्रिएट कर सकते हो और उसे ओपन सी या रेडिबल पर जो है बेच सकते है। तो इस एप्लीकेशन को आपको जो है इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल फोन में। तो यहाँ पर जो है जब आप इसे ओपन करते हो तो फर्स्ट इंटरफेस आपको इस तरह से दिखाई देगा। तो जस्ट आपको क्या करना है, इस प्लस वाले निशान पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी जो है पिक्सल्स जो है शो होंगी, किस पिक्सल में आप जो है क्रिएट करना चाहते हो। तो यहाँ पर ज्यादातर जो है 32 and 32 पर लोग क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर आप जो है अपना एनएफटी क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है थोड़ा एप्लीकेशन को समझती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पेंसिल टूल ऑलरेडी सेलेक्ट है, जिससे आप जो है अपना आर्टवर्क जो है ड्रा कर सकते हो। अगर आप इस पर क्लिक करते हो यहाँ पर आपको जो है इरेज का भी ऑप्शन शो होगा। अगर आप अपने आर्टवर्क से कलर पिक करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको आई ड्रॉपर टूल भी शो होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से आप कहीं से भी जो है कलर पिक कर सकते हो। अगर आप जो है कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो एंड यहाँ पर अगर आप जो है पेज को जूम इन आउट करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। अगर आप मूव करना चाहते हो तो हैंड के जरिए आप मूव भी कर सकते हो। तो अभी चलते हैं कि किस तरीके से जो है हम एक आर्टवर्क जो है क्रिएट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जल्दी से मैं यहाँ पर कुछ ड्रॉ करता हूँ आपको दिखाने के लिए। गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए कुछ फनी सा क्रिएट कर दिया है। तो आप इस तरह से जो है एक पिक्सल आर्ट क्रिएट कर सकते हो अपने मोबाइल फोन में। तो अगर आप रेडिबल और ओपन सी के बारे में नहीं जानते हो तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। अभी मुझे इजाजत दीजिए, गुड बाय।